समय हम प्रयागराज में पहुंचे हैं जहाँ पे मायावती जी का आगमन है और हमारे साथ युवा साथी, हम उनसे बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं हंडिया विधानसभा से हूँ, कमलेश कुमार गौतम जी। तो आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन है? हमारे यहाँ से प्रत्याशी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं। तो आपको क्या माहौल लग रहा है वहाँ को? हम अपने नरेंद्र कुमार त्रिपाठी को हंडिया विधानसभा से जिता करके तब छोड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि बहन जी का चर्चा नहीं है, बहन जी का चर्चा नहीं है, आज बहन जी का पूरा प्रयागराज नीला नीला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो आए हुए हैं ना, ये सब मजदूरी कर छोड़ कर के आए हैं। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, 500 रुपए की भीड़ नहीं है, ठीक है। मजदूरी छोड़ छोड़ करके टेम्पो से, ऑटो रिक्शा से आए हुए हैं। बहन जी जिंदाबाद। मीडिया में दिखाया जाता है कि बहन जी का कोई अस्तित्व नहीं है। मीडिया में दिखाया जाता, मीडिया सब जो मीडिया थोड़ी दिखाया जाता, हम लोग मजदूरी जो करते हैं, ठीक है। मीडिया में जो देख रहे हैं, इतनी सारी जो है पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक देख लीजिए, पूरा प्रयागराज भरा हुआ है नीला नीला, ठीक है। और आज बहन जी का देख लीजिए, इतना प्रयागराज, इतना पब्लिक है। जो लोग कहते हैं कि जो है बहन जी लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है, आज देखिए बहन जी की लड़ाई में कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ और भी युवा साथी, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम फूलपुर, हमारा है वहाँ से, हमारे राम तौलन यादव जी हैं बाबा, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का। वहाँ का क्या माहौल लग रहा है आपको? वहाँ के पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं राम तौलन यादव जी। हमारे साथ और युवा साथी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? हम सहार उत्तरी विधानसभा बासठ से हैं। आप हमारे संजय गोस्वामी जी हैं, जो कि अपने बलबूते, अपने एकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए अब बहुमत से जीत रहे हैं अकेले दम पे। ये चुनाव निशान जो बहन जी मायावती जी का है, ये चुनाव निशान जो कि ये किराए पे नहीं बल्कि अपने दम बूते पे आए हैं, पैदल चल करके किराए पर के, ये किसी के बलबूते पे नहीं है, ना किसी के बुलाने पे आए हैं, ये अपने व्यक्तिगत व्यवहार से आए हैं। और हमारे माननीय ये जीत रहे हैं सहार उत्तरी से, 262 उत्तरी से संजय गोस्वामी जी, मैं उनके प्रत्याशी के साथ साथ सभी का आभार हूँ। और हमारे जनता दल यही चाहते हैं कि हमारी बहन जी आए और ये भ्रष्टाचार को हटाए, ये गुंडागर्दी हटेगी। बोलने वाले करते नहीं हैं और जो नहीं कहते वो करके दिखलाते, क्योंकि ये नींव जो रखी है मायावती जी ने ही नींव रखी है, जो आज ये मोदी सरकार और ये जितने भी दलें हैं सब उनके चलाए पे ही चल रहे हैं। वे का आज का ही ये नहीं है कि आपका काशीराम योजना की दी हुई जो संपत्ति आप दे रहे हैं, चाहे 2.5 लाख चाहे कॉलोनी है, ये सिर्फ मायावती के राज से ही चालू हुआ है। और ये किसी के ये तो आदमी एक बच्चा भी होता है, ये भी सीडी पढ़ लेता है, उसके बाद ये किसी के कहने और चलाने पे चलता नहीं है, क्योंकि सरकार अगर चलती है तो एकता मजबूत, ये एक ही इकलौती एक बहन मायावती है जो कि गुंडा राज को ख़त्म की है, और यही चला तो गुंडा राज का सफाया रहेगा। अब फुल बहुमत से अकेली पार्टी ये जीतेगी, तय है शहर उत्तरी से हमारे गोस्वामी संजय गोस्वामी जी जीतेंगे। दादा जी आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? हाँ ठीक है, हम क्या कहेंगे, आइए आप बोलिए। हमारे साथ युवा, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए माहौल सही है, चुनाव होगा जैसा कि होना चाहिए, और क्या ज्यादा। कहाँ से आए हैं? हाँ फूलपुर विधानसभा से आए हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद। क्या आपको जो परेशानियां हैं, किस कारण किसी ऊपर काम? अरे जितना सांड गाय भैंसा सब छुटाए हैं उनके लिए कानी हाउस बनवाई, वो सब एग्रीमेंट करवाई और का करवाई, जवन आए जवन बनी तब करवाई, डाल रहे हैं, खेती भी पूरा नाश हो रहा है, क्या खाएंगे किसान लोग? शहरों में अनाज भेजने के लिए किसान लोग खेती उगा रहे हैं तो सब सांड बैल चल जा रहे हैं, उसका रोग छेड़ के लिए नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, उनको निजात दिलाएंगे परेशानियों से, ताकि उनका जो कायाकल्प है, विकास है, वो तो अपने रास्ते करेंगे, बाकी उनका जो काम है वो तो करेंगे। भैया हम ऐसी बात नहीं है, हम खुद उनके रिश्तेदार हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि 2022 में उनका पूर्ण बहुमत से आगमन हो, हम लोग स्वागत करेंगे उनका, अपने दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि वो विकास करते हैं और कहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कर दादा दिखाते जी, आप हैं। क्या कहेंगे? हम कुरान सुरक्षित से हैं। कुरान सुरक्षित थे, आपके यहाँ से क्या प्रत्याशी का क्या नाम है? राजबलि जैसल। तो उनका जनाधार क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर? 80-20 उनके साथ है। तो उनका स्तर किस लेवल पर मजबूत है या क्या क्या चल रहा है? इसके पहले उन्होंने 3-3 बार विधायक रहे, पानी बिजली सड़क और ट्यूबवेल और तमाम कुंप वगैरह तमाम चीज़ों उन्होंने विकास किया है,
उसके तहत हम लोग अपना पुरसौर समाज के साथ। और बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, जो ये मीडिया वाले जो अदर लोग हैं जो हमारे ये बहन जी को बताने का काम कर रहे हैं कि बहन जी कहीं आ नहीं रही हैं, तो आप देख लीजिए आज रेला है, पूरी जनता चली आ रही है। और हम बारह विधानसभा से हैं और जिस विधानसभा से हम हैं उस विधानसभा में पहले स्थान पे बसपा है, बसपा से कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी का आने वाली है। कहाँ से हैं आप? हम बारह विधानसभा से हैं, अशोक कुमार पाल। जी जी जी। तो हमारे साथ पाल समाज है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और क्या आप यहाँ से प्रत्याशी, क्या नाम है सर? डॉक्टर अजय कुमार भारती। तो उनका क्या जनाधार आपको? जनाधार वो दो बार विधायक रहे हैं और इस बार बहन जी उनको आशीर्वाद दिए हैं और जो भी चुनाव लड़ा उनसे लड़ रहा है, इतनी उनकी पावर है और सबसे ज़्यादा सर समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है।